वसईराम महानगर पालिका अधिकारी, अधिकारी वर्ग से मेरा ये कहना है कि आप जो अपनी एसी वाली गाड़ी में चलते हैं, कभी खुले गटर पर पैदल चल के देखिए, शायद आप आते जाते होंगे, आपको दिखाई नहीं देते हैं और आपके कनिष्ठ कर्मचारी तो देखना ही नहीं चाहते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल एक बेहद दर्दनाक और प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना सामने आई विरार से, जहां विरार में खुले गटर में गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दरअसल मामला है विरार वेस्ट के एमबी स्टेट का, जहां की निवासी कमलाबेन 68 वर्षीय महिला जो गटर के खुले ढक्कन की वजह से गटर में गिर गई और उनकी मौत हो गई। प्रतिदिन की तरह कल सुबह 5:30 बजे कमलाबेन घर से निकली थी और पास ही के जैन मंदिर में गई थी अपनी पूजा अर्चना करने। जैन मंदिर में पहुंची, जब वहां से लौट रही थी कमलाबेन, तब उनका पैर फिसला होगा या क्या हुआ, उनके साथ में क्या हादसा हुआ ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो गटर में गिर गई और गटर में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। जब कमला बहन गटर में गिरी थी तो कई घंटों तक जब वह घर पर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने एक दूसरे से संपर्क करना कर उनका पता खोजबीन करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर भी लोगों से संपर्क किया जाने लगा, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाने लगा कि कहीं से उनकी खोजबीन की जाए, पता लगाया जाए। लेकिन समय बीतता गया, शाम के समय एक राह चलते राहगीर ने उस गटर के अंदर देखा कि कुछ अप्रत्याशित नजर आ रहा है। तब उन्होंने उसको गहराई से देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि किसी की बॉडी है। इस पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जब गटर से बॉडी निकाली तो ये वेरीफाई हुआ कि वो बॉडी कमला बहन की है। इस तरह से एक बेहद शर्मनाक घटना प्रशासन के लिए सामने आई। प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना इसके लिए है कि वसई विरार में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, मेन होल खुले हुए हैं, जहां ऐसे हादसे होते रहते हैं, पहले हो चुके हैं। बारिश में तो काफी बार ऐसे हादसे हुए, बारिश में एक समझ में नहीं आता है कि कहां गटर है और कहां रोड है जब पानी भरा होता है। कई हादसे पहले हो चुके हैं और यह हादसा भी हाल ही में सामने आया, जहां लोगों की जान के दुश्मन बने हुए ये गटर के टूटे हुए ढक्कन। फिर भी महानगर पालिका प्रशासन जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले महानगर पालिका प्रशासन ने नाला सुपारा में एक घर तोड़ा था, सिर्फ इसलिए कि घर मालिक ने उस घर का घर पट्टी बकाया घर पट्टी नहीं भरा था। तब मैंने वो खबर की थी और मैंने यह सवाल उठाया था कि जब वसई विरार महानगर पालिका बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकती है तो उसे घर पट्टी वसूल करने का क्या हक है। घर पट्टी की राशि, घर पट्टी कर जनता किस लिए भरती है? इन्हीं गटर पर ढक्कन लगाने के लिए, सड़कों पर लाइट लगाने के लिए? जब महानगर पालिका के पास में पर्याप्त धनराशि है तो क्यों ये गटर के ढक्कन खुले हुए हैं? यह सवाल है मेरा वसई विरार महानगर पालिका से। क्या कितने लोगों की आप और जान लेंगे इस तरह? वसई विरार महानगर पालिका अधिकारी, अधिकारी वर्ग से मेरा यह कहना है कि आप जो अपनी एसी वाली गाड़ी में चलते हैं, कभी खुले गटर पर पैदल चल के देखिए, शायद आप आते जाते होंगे, आपको दिखाई नहीं देते हैं और आपके कनिष्ठ कर्मचारी तो देखना ही नहीं चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हादसे के बाद में ऐसा कोई हादसा नहीं हो जहां गटर के खुले ढक्कन की वजह से किसी की जान जाए। साथ ही साथ इस हादसे के लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर खुद महानगर पालिका को आगे चलकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहिए, चाहे वो क्षेत्र का इंजीनियर हो, चाहे क्षेत्र का ठेकेदार हो, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ महानगर पालिका को खुद आगे चलकर मामला दर्ज कराना चाहिए। और मृतक परिवार को, अभी जान तो गई, वो तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उनको मुआवजा जरूर देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम?
विशाल बेंगानी। सर, जो कल जो दुर्घटना घटी थी, क्या कहना उसके बारे में आपको? बहुत ही दुखद था। नगरपालिका का इतना बड़ा लापरवाही कि इतने सारे मेन हॉल खुले पड़े हैं इस रास्ते पे, 200 मीटर के रास्ते पे कम से कम 10 जगह मेन हॉल खुला है और कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। आपकी क्या डिमांड है महानगरपालिका से? सर, महानगरपालिका को ये मेन हॉल कहीं पे भी हो जल्द से जल्द बंद करने चाहिए, खुले नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे बड़ी दुर्घटनाएं होती है, ये रास्ते पे स्कूल है, बच्चे, सैकड़ों बच्चे रोजाना ये रास्ते से जाते हैं, कहीं कोई भी बड़ा कैजुअलिटीज वापस से ये दुर्घटना हो सकती है। महानगरपालिका को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये सब बंद करावे। मतलब आप दुर्घटना का प्रमुख जवाबदार कौन आपकी नज़र में? महानगरपालिका के अधिकारी जो इसके लिए बिल्कुल जवाबदार है, उन्होंने बिल्कुल केयर नहीं किया। ऐसे मेन हॉल खुले रखे हैं मेन सड़क के ऊपर, जहाँ से सैकड़ों बच्चे, इतना बड़ा मंदिर है बाजू में और इतना बड़ा बैंकेट हॉल है, सैकड़ों जन रोजाना इस रास्ते से जाते हैं और रास्ता खुला पड़ा है ऐसा मेन हॉल। थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।